ये मैंने डेटा यूज़ किया है अपने उसका स्टूडेंट का, मैं अपना को डेटा यूज़ करता हूँ आराम से। फाइल, फाइल, न्यू वर्क फाइल 225, ओके ठीक है, क्विक, सी कंट्रोल बी 1, 2 एंड 3, लेट्स सपोज SER1 इस बी सीरीज, इसके बाद इसका नाम बी डी सीरीज लिख दिया, और ई एफ डी सीरीज, 3 सीरीज इसके मैंने नाम रख दिए ऊपर, और दोबारा से इसको शॉर्ट बटन से क्लोज कर दिया। एंड आई सिलेक्टेड AB BCD और EDF सीरीज को मैंने सेलेक्ट किया, कांस्टेंट रेसिडुअल सेलेक्ट नहीं करूँगा। ग्रुप में गया, क्विक में गया, ग्रुप स्टेटिस्टिक डिस्क्रिप्टिव कॉमन सैम्पल ठीक है, यस किया, और ये देखें ठीक है, उस डेटा में थोड़ा सा इशू है, वो मैंने स्टूडेंट को दोबारा वापस किया। अब आप ये देखें कि डेटा के अंदर इशू हो तो डेटा रन ही नहीं होता। ये मेरे पास डिस्क्रिप्टिव स्टेटिस्टिक्स आ गया, मीन क्या है, मीडियन क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीरीज क्या है, मिनिमम क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, जार्क बीरा, ये नॉर्मेलिटी के टेस्ट है ठीक है। जार्क वीरा का मतलब है ये एक नॉर्मेलिटी का टेस्ट है, अगर इसकी प्रोबेबिलिटी इज लेस देन 0.05 ठीक है, प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.05 मीन्स सिग्निफिकेंट, और इफ दिस इज सिग्निफिकेंट दिस डिफाइंस द डाटा इज नॉट नॉर्मल, द डाटा इज नॉट नॉर्मल। ये आप यहाँ से भी देख सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ जाएंगे और ठीक है, और यहाँ हमारे पास ये वेरिएंस एक्सप्लेनेशन स्मूथिंग, यहाँ भी ये टेस्ट अवेलेबल है इसके अलावा भी ठीक। अच्छा बहरहाल, तो ये डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंदर ही आपको जो है क्या कहते हैं नॉर्मेलिटी का टेस्ट मिल जाता है डाटा। आप ये देखें कि ये तीनों सीरीज नॉन नॉर्मल है, नॉन नॉर्मल का मतलब क्या है कि प्रॉबिलिटी इज लेस देन 0.05 मीन सिग्निफिकेंट, और इफ रिजल्ट इज सिग्निफिकेंट मीन्स डाटा इज नॉन नॉर्मल। नॉन नॉर्मल के बाद हमने जो दूसरा टेस्ट इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना है दैट इज कोरिलेशन मैट्रिक्स, इन तीनों को मैंने कोरिलेशन मैट्रिक्स को अप्लाई किया, ये मेरे पास कोरिलेशन निकल आया, ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन है। यहाँ अगर हम डिफाइन करें थोड़ा सा, तो इफ कोरिलेशन बिटवीन आईवीज, स्पेसिफिकली लिख रहा हूँ मैं आईवीज इज 0.9 और ग्रेटर, जैसे ए बी की पॉइंट -0.3 है, बी ए बी और ई डी एफ की जो है -0.6 है, देन देयर एग्जिस्ट, देन देयर एग्जिस्ट मल्टी, देयर एग्जिस्ट मल्टी कोलिनेरिटी। ये मल्टी कोलिनेरिटी का पहला टेस्ट है। मल्टी कोलिनेरिटी एक ऐसा इशू है कि अगर आपकी सीरीज के अंदर मौजूद है तो ये इशू डील नहीं हो सकता, यानी अगर आपके डाटा के अंदर मल्टी एग्जिस्ट करती है तो आपको या तो अपने वेरिएबल्स चेंज करने पड़ेंगे या एक दो वेरिएबल्स को ड्रॉप करना पड़ेगा जब तक मल्टी खत्म नहीं होती। तो जब तक मल्टी खत्म नहीं होगी आप टेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, मल्टी कोलिनियरिटी के होते हुए आप फर्दर एस्टिमेशन नहीं कर सकते, सो मल्टी का ना होना जरूरी है ठीक है। अभी हमने देखा टेस्ट में कि हमारे पास नॉर्मेलिटी थी, यानी नॉर्मेलिटी की अजम्पशन पूरी नहीं हुई, हमारा डाटा नॉन नॉर्मल है, लेकिन इसके बावजूद एस्टिमेशन परफॉर्म हो सकती है क्योंकि हमारे पास रेफरेंसेस है कि इकोनोमेट्रिक के अंदर अगर आपकी वेव ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन 100 है, गुजराती के अंदर लिखा हुआ है, तो दैट मींस कि आपकी अगर नॉर्मेलिटी की अजम्पशन पूरी नहीं भी होती तो आप एस्टिमेशन आपकी अनबाइस्ड ही कहलाएगी। लेकिन अगर मल्टी कोलिनियरिटी एग्जिस्ट करती है तो आप किसी सूरत भी फर्दर टेस्टिंग नहीं कर सकते ठीक है। ये पहला टेस्ट था मल्टी कोलिनियरिटी का।
इसके बाद अगर हम अगर दूसरे टेस्ट की तरफ जाएं तो इन्हीं को मैंने कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट किया हुआ है, राइट क्लिक करूंगा, ओपन इक्वेशन, ये इक्वेशन आ गई। इक्वेशन ऐसे होगी कि हमेशा यहाँ डीवी होगा पहला, और उसके बाद जितने भी आईवीज होंगे वो लिखे जाएंगे, और एंड में सी लिखूंगा, सी मीन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो मैंने एक सीरीज को डीवी बना लिया, ए बी सीरीज डीवी है, बाकी दोनों आईवीज हैं, इनको मैंने ओके किया, ये मेरी एस्टिमेशन होगी। आप ये देख सकते हैं कि ईडीएफ सिग्निफिकेंट है क्योंकि लेस देन 0.1 है, और ये बी सी डी की सीरीज सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेरे फाइनल रिजल्ट्स नहीं है। अच्छा, फाइनल रिजल्ट्स ना होने की वजह से सबसे पहले मैं इसका दोबारा से टेस्ट करूंगा, वी उसका क्या कहते हैं, मल्टीकोलिनियरिटी का, मल्टीकोलिनियरिटी का एक और जो टेस्ट है जिसको हम कहेंगे व्यू में जाके कोफिशिएंट डायग्नोस्टिक में वीआईएफ वेरिएंस इन्फ्लेशन फैक्टर, ये स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, कोरिलेशन मैट्रिक्स से भी ज़्यादा। मैंने इसको क्लिक किया तो मेरे पास ये सेंटर्ड वैल्यूज आ रही हैं। अब यहाँ भी हम डिफाइन कर लें, इफ दीज सेंटर्ड वैल्यूज आर ग्रेटर देन 10, डिफाइन दैट पर्टिकुलर सीरीज इज हैविंग मल्टी। तो इसका मतलब है अगर किसी की वैल्यू 10 से ग्रेटर आएगी हमें उस सीरीज को ड्रॉप करना पड़ेगा, वेरी स्ट्रिक्ट। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो इसका अगला टेस्ट होगा, हमारे पास रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स, ये सीरियल कोरिलेशन LM टेस्ट, ऑटो कोरिलेशन का ये टेस्ट है। ठीक है जी, ऑटो कोरिलेशन का टेस्ट है, इसको हमने इम्प्लीमेंट किया और यहाँ हमारे पास वैल्यू देखें प्रोबेबिलिटी की 0 आ रही। इफ वैल्यू ऑफ प्रॉब इज लेस देन 0.1, 0.05 भी नहीं, 1.1 के ऊपर लोग देखते हैं, देन ऑटो एग्जिस्ट, वाइल इफ नॉट देन नो ऑटो। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट टेस्ट होगा वो हमारा होगा हेट्रो का। हम दोबारा से रेजिडुअल डायग्नोस्टिक में जाएंगे, ये हेट्रोस्कीडास्टिसिटी लिखा हुआ है, इसमें मल्टीपल टेस्ट हैं, ये ब्रूश पगान का भी बड़ा क्या कहते हैं एस्टेब्लिश टेस्ट है, वाइट का भी बहुत एग्लिश है, लेकिन हम अपनी उसके लिए क्या कहते हैं तसल्ली के लिए दो टेस्ट लाजमी परफॉर्म करते हैं। तो दो में पहला मैंने ब्रूश पगान का टेस्ट परफॉर्म किया, देखिए 0.02, 0.02, 0.005 मीन्स वैल्यूज आर लेस देन 0.1 देन एग्जिस्ट हेट्रो। ठीक है, इस टेस्ट के मुताबिक भी हेट्रो एग्जिस्ट करती है, और दोबारा से मैं रेजिडुअल डायग्नोस्टिक्स पे गया, हेट्रोस्कीडास्टी पे गया, मैंने वाइट का टेस्ट, वाइट का भी बड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट है, ये इम्प्लीमेंट किया, और ये देखें इसके रिजल्ट आपके सामने हैं, और डाटा के अंदर हेट्रो एग्जिस्ट करता। ठीक है, अब मैं ये दोबारा से कुछ चीज़ें टाइप कर देता हूँ, आप लोगों के काम आएंगी। इफ डाटा इज नॉट नॉर्मल एंड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस आर ग्रेटर देन 100, नो नीड टू ट्रीट नॉर्मेलिटी। ठीक है जी, आप नॉर्मेलिटी ऑब्जर्वेशन प्रूव नहीं भी होती, इट्स ओके, नो नीड टू। इफ मल्टी एग्जिस्ट ड्रॉप सम वेरिएबल्स टू रिड्यूस, मल्टी होगी आप एस्टिमेशन के अगले स्टेप पे नहीं जा सकते। इफ ऑटो एग्जिस्ट वी कैन मेक इट consistent. If hetero exists, we can make it consistent. So that means के जो सबसे खतरनाक observation है वो multi की है, कि अगर आपकी regression assumption जो है multi की पूरी नहीं होती, आप further estimation नहीं कर सकते। ठीक है, और जितने भी क्या कहते हैं टेस्टिंग है, जितनी भी आपकी मेथोडोलॉजिकल टेस्टिंग है, उसमें रिग्रेशन अजम्पशंस जो हैं, ये चार अजम्पशंस हम लाजमी टेस्ट करते हैं। कुछ अजम्पशंस ऐसी, कुछ मेथोडोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें ये अजम्पशंस नहीं है, कुछ और अजम्पशन है, लेकिन मैक्सिमम जो मेथोडोलॉजीज हैं उसमें ये चार अजम्पशंस लाजमी चेक होती हैं। अगर ये चार अजम्पशंस आपकी प्रूव नहीं होती तो कोई इशू नहीं है, अगर इसमें सिर्फ एक मल्टी प्रूव नहीं होती
ठीक है, मल्टी के अजम्पशन अगर आप प्रूव नहीं कर पाते तो आपकी टेस्टिंग परफॉर्म नहीं होगी। हाँ, अगर आपकी बाकी मल्टी की प्रूव हो जाती है कि देर इज़ नो मल्टी, और आपकी बाकी जो है अजम्पशन जो हैं वो डिसप्रूव हो जाती है, यानी हेट्रो भी एग्जिस्ट करती है, ऑटो भी एग्जिस्ट करती है, नॉर्मेलिटी भी एग्जिस्ट करती है, नो नीड टू पैनिक। हम इन चीज़ों को क्या कहते हैं, इसके मुताबिक डेटा ट्रीट कर लेते हैं, हम इसको मेक इट कंसिस्टेंट कर लेते हैं, बट इफ देर इज मल्टी वी कैन नॉट गो फर्दर। ठीक है जी।